Hare Krishna, good morning. Welcome all of you all for our Sunday morning Bhagavad Gita class. So, we are in the midst of the fourth chapter of Bhagavad Gita. Last time we completed 4.13. So, today we have to start with 4.14. Very, very important shloka. Bahut kuch seekhna hai. तो काफी कुछ सीखना है. ये वर्ड्स में से हम लोगों के अंदर काफी मिसकंसेप्शन है हमारे जीवन में, जो हम लोग अक्सर कैरी करते हैं. उस मिसकंसेप्शन को हमको दूर करना है, तो दिस वर्ड्स इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. बट बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल कंसेप्ट एंड व्हाट इज द मिसकंसेप्शन, ये दोनों भी जानना है. सो दैट वी विल डिस्कस एट लास्ट टुडे. नामाम कर्माणि लिम्पान्ति नामे कर्म फलस्पृह इति माम यो अभिजानान्ति कर्म न कर्म भी न बध्यते. सो लॉर्ड इज लॉर्ड सिंह कैन यू रीड द ट्रांसलेशन कैन यू हैव ट्रांसलेशन देयर इज नो वर्क नॉट अफेक्ट मी नॉट डू आई एस्पायर फॉर द फ्रूट्स ऑफ एक्शन वन हु अंडरस्टैंड दिस ट्रुथ अबाउट मी आल्सो डज नॉट बिकम एंटैंगल्ड इन द फ्रुक्टिव रिएक्शंस ऑफ वर्ल्ड. तो एक तो पहला चीज तो कल हम लोग एट लार्ज वी विल बी डिस्कसिंग इट, टुमारो सेमिनार आई विल बी डिस्कसिंग. ऑफ कोर्स यू ऑल विल, ऑल ऑफ द सीनियर्स वोंट बी कमिंग बट ओनली अ सिलेक्टेड फ्यू हैव बीन रिक्वेस्टेड टू कम. सो द थिंग इज इट इज रिलेटेड टू द लॉ ऑफ कर्मा. ये जो श्लोका है, जो वर्ड्स जो है, वो लॉ ऑफ कर्मा से रिलेटेड है. बट जिनको बेसिक्स नहीं मालूम है उनको थोड़ा समझ में थोड़ा मुश्किल आएगा. बट अगर जो जानकारी रखते हैं, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन सच ए वे दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड. लास्ट, व्हाट इज द लास्ट लाइन? कर्म भी न बध्यते. कर्म से बंधन हो रहा है. क्या बंधन हो रहा है? कर्म से क्या बंधन होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कर्म बंधन? यस आशु माता जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कर्म बंधन? कल का क्लास में आ जाओ. कर्म और कर्म का बंधन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्म एंड कर्म का बंधन? विजय, फादर इज नॉट कर्म, दैट इज धर्म. कर्म मतलब क्या है? What does he understand by karma? Any action, and then fruits that we will attach. Action or fruits? I think it's better. So we can share the book, no? So action and fruits, are these both related? And if these two are related, then what is that relation with God? आजकल लेक्चर थोड़ा ब्रेन बॉगलिंग रहने वाला है. इफ वी आर टॉकिंग ऑफ कर्म, वी आर टॉकिंग ऑफ अवर रिलेशन विद द फ्रूट्स ऑफ द एक्शन, देन बीच में भगवान कहां से? अरे भगवान कह रहे हैं ये श्लोका, कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं. एंड व्हाट इज नॉट सेइंग द फर्स्ट लाइन? देयर इज नो वर्क दैट अफेक्ट्स मी. व्हाई द हेल शुड आई वर्क? That's what a common man will ask me, right? How do we understand this whole relation? ये पूरे चीज को समझेंगे कैसे? हाँ, अंजना माताजी समझेंगे. Yes माताजी, बोलिए. भगवान, तीन चीजें हैं, तीन three components are there. Let's join the dots, okay? भगवान, कर्म and the fruits of the action, या कर्म का जो फल है. ये तीन चीज को कैसे कनेक्ट? इंपॉर्टेंट, राइट? कर्म करते हैं, फ्रूट्स के साथ कनेक्टेड है, और भगवान भी बीच में एक रोल प्ले कर रहे हैं. व्हाट इज दैट? व्हाट इज लॉर्ड सेइंग? व्हाट इज लॉर्ड गॉट टू से अबाउट दैट? चलो, तुम्हारा एक्शन है, तुम कर रहे हो, दैट इज योर एक्टिविटी, यू आर डूइंग, यू आर अर्निंग योर फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन. फॉर एग्जाम्पल,
क्या कहते हैं There is no work which affects me. So when we are doing an action, when we are doing an activity, there is a fruit result attached to it. जैसे अगर आप खाना बना रहे हो तो उससे खाना बन रहा है खा रहे हो तो what is the action? कर्म काम बना खाना बनाना and what is the fruit? खाना पेट भरना या स्वाद लेना जो भी हो action is not खाना बनना. The result of the action is not khana banna, but khana khane ko milne wala. You're going to nourish yourself, you're going to nourish your body. So this is the meaning of action or connected to the result connected to the action. The fruit connected to the action. Now, in this world already we have discussed earlier that there is not even a single second you cannot survive without doing an action. अगर कोई व्यक्ति बोलता है मैं कुछ काम नहीं करूंगा बस ऐसे बैठे रहूं तो वो भी एक कर्म है. कुछ कर्म ना करना भी एक कर्म है. मैं ऐसे बैठूंगा सांस ले रहे हो कर्म है. So you are doing knowingly unknowingly आप सांस लेते हुए भी आप कर्म कर रहे हो. So आपको क्या लगता है कि कितना हद तक भगवान कह रहे हैं कि आई एम नॉट कनेक्टेड टू फ्रूट्स यानी कि जो भी एक्शंस आप कर रहे हो इट इज पर्टेनिंग इट इज कनेक्टेड ओनली टू यू एंड योर सेल्फ आई एम नो वेयर अटैच्ड ना. एक्चुअली देयर इज अ नाइस ब्यूटीफुल नाइस श्लोक ऑफ विच विल कम लेटर नाम व्हाट इज इट लॉयर लॉर्ड सेज आई डोंट वॉन्ट योर सुकृति एंड आई वोंट वॉन्ट योर दुख सुकृति ऑल्सो. I don't want your punyas, I don't want your papas. दोनों तुम्हारा है तुम्हारा कमाया वो चीज है मुझे नहीं इंटरेस्ट है उसमें. वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि भाई मैं कर्म कर रहा हूं मैं भगवान के लिए कर रहा हूं मैं मेरे परिवार के लिए कर रहा हूं मैं मेरे इसके लिए कर रहा हूं उसके लिए कर रहा हूं. कारण कुछ ना कुछ होता है या मेरे खुद के लिए कर रहा हूं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूं. Whatever it is you give, you do an action for some certain purpose. अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता है वो क्या बोलते हैं आई वॉन्ट स्टडी वेल सो आई कैन गेट गुड मार्क्स आई कैन गो टू कॉलेज और आई कैन डू दिस और आई कैन गेट नाइस जॉब. व्हाट इट इज देयर इज अ पर्पस बिहाइंड एवरी एक्शन. विदाउट अ पर्पस देयर इज नो एक्शन. वेयर एज व्हेन इट इज कमिंग टू गॉड गॉड सेज इफ यू आर डूइंग एनीथिंग आई डोंट होल्ड मी रेस्पॉन्सिबल. लोग अक्सर कहते हैं इनफैक्ट देयर इज वेरी नाइस कनेक्शन विद महाभारत. इन महाभारत व्हेन अर्जुन इज टोल्ड टू फायर द एरो एट कर्ण कर्ण सेज हे केशव इज दिस जस्टिफाइड इज दिस धर्म. क्या धर्म है मैं रथ के नीचे उतरा हूं एंड उसका सारथी भाग गया. वो सारथी मामा शैल्य शैल्य भाग गया. और क्यों भाग गया वो सी प्लीज अंडरस्टैंड यर कर्ण सॉ अर्जुन. अर्जुन का सारथी कौन है एक राजा है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कृष्णा से ज्यादा ही इस कौन है कैटेगराइज ही सीइंग इन द मटेरियल प्लेटफॉर्म राजा है. तो मैं कौन से रथ में कोई ऑर्डिनरी चैरियटर का रथ में नहीं बैठूंगा मैं भी राजा वाला रथ पे बैठूंगा. तो अभी राजा उस फुल टीम में देयर वाज ओनली वन किंग हु वाज अ हु न्यू अबाउट बिकॉज ऑल किंग्स डोंट नो राइडिंग द हॉर्स चैरियट इन अ वॉर जोन. राइडिंग ए चैरियट इज डिफरेंट राइडिंग ए चैरियट इन द वॉर जोन इज डिफरेंट. इट्स लाइक हम सबको ड्राइविंग शायद बहुत लोगों को पता है बट कैन वी ड्राइव अ टैंक कैन वी ड्राइव ट्रक. हमें ट्रक भी शायद वी मे नॉट बिकॉज वी आर नॉट यूज टू ड्राइविंग है
big truck, whereas the principle is same. Same clutch, brake and accelerator is there in the truck also. Which alag koi ye nahi hai. But we are not used to drive it. So similarly, the warrior who fights, he cannot drive. At the same time, he cannot fight. Either he can fight or he can drive. So what condition he had put? He has said, I want only a king who can drive for me. So uske liye, uske mama, only the Pandava ka mama jo tha, usko khada kar diya. And he had to obey because he had rin ho gaya tha uske upar. Pandava ka khana khaya tha, Kaurava ka khana kha liya tha, to rin ho gaya tha. He said, fine. He was driving. When the Ratha went into the wheel of the Ratha, went into the ditch, he immediately said, remove the thing. He said, I am a king, I am not a charioteer. That's the job of a charioteer, I will not do. And he left. I don't want to divulge into that part because alag understanding him, so will take some other time. So he went. So now Karna got down pulling the Ratha, pulling the wheel, and immediately Krishna tells Arjuna, fire. So itne mein gyan ka baat kar raha hai, that how can you kill me? I am not even on the Ratha. If you are standing on the Ratha, is this dharma? This is adharma what you are doing. Is ye kya ye dharma hai? Main niche rath ke niche hu, obhi se main paya nikal raha hu, aur abhi mere haath mein hathiyar nahi hai, to time pe mujhe marne ke liye keh raha hai. Theek hai, then Krishna has his own arguments. I am not discussing on that argument because that is not having any context, refers to context to the shloka what we are discussing. But what Krishna says, in that he gives an example. He says, when everything is going right, people never thank God. But if something goes wrong, the first person to be blamed is kuch nahi. Aaj agar barish aa jaye zordar, aur aap nikle banthan ke picture ke liye ya hotel mein kidhar jaane ke liye aur zordar barish aa gayi, kisko kosoge aap? That's what he is saying, right? I am not. So Krishna gives this example in the Mahabharata. He gives this example, but when everything is going good, is going a win-win situation, you take it as me. But the minute the thing is not going as per your wish, what happens? God is responsible. God is responsible. I am not responsible. He is clearly saying, Namam karma limpanti Namam karma limpanti name karma phala spriha. Nahi meu karma ka phal ka main spriha, matlab desiring. मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप करो, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप मत करो. चॉइस इज योर्स. दिस स्पेशली फॉर दोस बिफोर ड्रिंकिंग कुछ करते हैं ना, दे गॉट दैट सेरेमोनियल करते हैं ना. भगवान ने आपको लिखकर पीने नहीं बोला. डिड गॉड आस्क यू टू ड्रिंक लिखकर? हम पीने वाला है. किसको पिला रहा है तुमको? What ritual are you doing? Which shastra is mentioning this ritual? There is no shastra which is mentioning this ritual, na? ये बोलना तो मंत्र मंत्र बोल. मंत्र तो बोल नहीं रहा है. Nonsense. Thinking that God will forgive me. तो भाई, your own earned enjoyment or sin is your own. आपका खुद का कमाया हुआ है, किसी और का नहीं है. पाप आप किसी का और का लेंगे? नहीं लेंगे. पुण्य लेना चाहिए तो हाँ, रेडी टू एक्सेप्ट. कैसे भाई? उसका अकाउंट का पाप उसका है, पुण्य उसका है. उसका अकाउंट का क्रेडिट उसका है, उसका अकाउंट का डेबिट उसका है. उसने अगर किसी और ने लोन लिया है, बोलेंगे मेरा मर्ज कर दो उसके साथ अकाउंट, तो आपका ईएमआई आपका अकाउंट से कटेगा, चलेगा? नहीं नहीं, वो नहीं चलता. अगर हाँ, उसके अकाउंट में अगर 10 करोड़ है तो मुझे मिलना चाहिए. दैट्स हाउ वी आर फूलिश. वी आर डम. We don't understand what we are actually wanting, what we are desiring. हम चाहते क्या चीज है और कर क्या रहे हैं हमको कुछ पता नहीं. Because we are driven not by शास्त्र, we are driven by our desires. हम इच्छाओं से हम लोग चल रहे हैं, ना के दिमाग से, ना शास्त्र के आधार पर चल रहे हैं. शास्त्र has its own guidance and gives its own guidance, but we are just going as per desire. You know, it's that is why Lord is saying, na karma
और लिम्पांति. द वर्ड लिम्पांति इज डू नॉट अफेक्ट मी. आपने 56 भोग लगाया समझो आज भगवान को, और यहां पे माता जी ने सिर्फ खिचड़ी का भोग लगाया. भगवान बोलते मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम खिचड़ी लगाओ तुम 56 भोग लगाओ. इज योर विश, इट इज योर विश. मैंने फोर्स किया आपको, बंदूक रख के बोला मुझे 56 भोग खिलाओ. एक्शन इज योर चॉइस, आप चूज कर रहे हो कार्य करने के लिए, ना कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूं. तो नाम कर्म लिम्पांति, नाम कर्म फल स्प्रिया, ना ही मुझे वो चीजों का फल चाहिए मुझे. फॉर एग्जाम्पल इफ टुमोरो वन डस एकादशी व्रत सीरियसली, नो निर्जला एकदम बिना पानी पिए, क्या भगवान ने बोला था? भगवान ने क्यों बोला था? शास्त्र में क्यों मेंशन है? ताकि आपको उस दिन पाप ना लगे, आपके पाप कम हो जाए. भगवान को ये नहीं चाहते कि आप भूखे मरो और मैं आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर फास्टिंग फॉर मी. राइट, ऑन द अदर कॉन्ट्रेरी लॉर्ड सेज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट यू ऑफर मी एनीथिंग नो प्रॉब्लम बट इट शुड बी विद लव एंड अफेक्शन. सम पीपल मे got a very good habit, you know, doing a big samaj seva, you know, feeding so many poor and this and that. Is God interested in that work? That's what he's saying. Karma limpanti, naam karma phalaspriya. I'm not desiring the fruits of that action also. It's your choice. It's your choice to do. Log aksar aake kehte hain, manav seva hi madhav seva hai. अरे मानव सेवा है, मानव सेवा है. हाउ कैन यू मर्ज दिस टू? पीपल टुडे इन कंफ्यूजन आर टॉकिंग नॉनसेंस. सो व्हाट इज लॉर्ड सेइंग? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी एक्शन ऑफ योर्स और इन द फ्रूट्स ऑफ इट. हाउएवर व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दिस एक्शन शुड बी एज पर द शास्त्र. आवर एक्टिविटीज शुड बी एज पर द स्क्रिप्चर्स, एज पर द शास्त्र. इट शुड नॉट बी विम्सिकल. One should always perform the actions as guided in the Shastra. Then there is no problem. Another. Fruits. For example, I know I have done a bad activity. There are many people who understand that they have done a bad activity. And to neutralize that, what they do? Do some punya activity. So they think, पुण्य में न्यूट्रलाइज पर पाप. पर कभी हो सकता है इन बैंक अकाउंट यू में रिमूव 100, यू में पुट 500, ओके देन 400 बैलेंस दिखाएगा. इट्स मेक सेंस. बट दिस इज द लॉ ऑफ कर्म डजंट वर्क ऑन दैट बेसिस. द लॉ ऑफ कर्म वर्क्स ऑन अ डिफरेंट कैलकुलेशन ऑल टुगेदर. उसका सोच ही अलग है, उसका थिंकिंग ही अलग है. जो आपने अच्छे कर्म किए उसका फल भी मिलेगा, आपने जो बुरे कर्म किए उसका भी फल आपको ही भुगतना है, वो भी सेपरेटली. दैट इज व्हाई लाइफ इज ऑलवेज अप डाउन अप डाउन. व्हेन यू आर अप यू आर एंजॉयिंग योर गुड कर्मास, व्हेन यू आर डाउन यू आर सफरिंग योर बैड कर्मास. अगेन यू विल फील आई गोन अप, डोंट वरी, अगेन टू गो डाउन, अगेन टू गो अप. If you're going down, again you go up. That is why Lord says, please don't involve me in your karma activities. Aapko jo kaam karna hai, karo. And jo ye jaan leta hai, what does, who knows that this is going to be not going to, I mean, Lord is not in, incurring, going to incur anything, or God is not involved in it. Ye kaun samajh paayega? Shuddha Bhakt. Okay. Somebody else? Something else? Who has surrendered to God? Okay, something, give an answer that related to karma. आपका बोल रहे शुद्ध भक्त. शुद्ध भक्त कैसे काम करे, कर्म करेगा? एक शरणागत भक्त कैसा कर्म करेगा? मैं वो पूछ रहा हूं. बस किसी को, अक्सर लोगों को शुद्ध भक्त बनना नहीं है.
कम से कम कर्म तो सुधारने का तरीका सीख लो। अच्छे कर्म को भगवान को सौंपने, बुरे कर्म खुद को रेल रख ले। But there are other characters who say, I was butchering earlier alone, now I keep the photo of Narsingha Dev and then butcher. He will live the life as per the scriptures and then whatever foods he will. Okay, something more. Something which is to be practically applied. Let's not be theoretical. Theoretical looks nice in the book. Let's come to day to day activity and apply it. How will you apply it? Very simple. Okay, all the mothers over here, jitni bhi yahan mataen baithi hain yahan par, unke liye kya? चलो वो तो अलग बात होगी। कर्म कैसे करोगे? एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्टिविटी वो सब सोचो, ओके फाइन, अनएक्सपेक्टेड फाइन, एक्सपेक्टेशन नहीं है, ऐसे भी एक्सपेक्टेशन रखे फायदा नहीं कुछ मिलने वाले थे। एक्सपेक्टेशन रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना भी अच्छा खाना बनाओ, थोड़ा सा नमक ज्यादा गिर जाए, पूरा परिवार भम 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 करेगा। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सपोज द चाइल्ड कम्स रनिंग टू यू, मम्मी आई एम हंग्री, बहुत भूख लगी, स्कूल से आया, बैग वैग इधर उधर फेंक दिया एज यूजुअल, उसको शॉक्स सब भेज फेंक दिया इधर उधर, भूख लगा है, तांडव का नृत्य कर रहा है। एक माँ क्या करेगी, कैसे कर्म करेगी? वो टाइम पे क्या कर्म करेगी? खाना बनाएगी, फटाफट खाना बनाएगी। मगर क्या वो बच्चे को देखते हुए हाँ मेरा बच्चा ऐसे देख के खाना बनाएगी? वो क्या बोलेगी, बेटा बैठ जा, टीवी देखना देख, कार्टून नेटवर्क देखना तो देख, 20 मिनट में या आधे घंटे में तेरे लिए मैं खाना बनाती हूँ। एंड दैट 20 मिनट्स हाउ डज शी कुक? फुल फोकस ऑन द वर्क, फुल कॉन्सेंट्रेशन ऑन द वर्क, शी विल नॉट सी हियर एंड देयर बेटा क्या कर रहा है क्या कर, जस्ट एक बार नजर देख लिया, बट फुल फोकस बराबर मिर्ची, एंड शी विल सी टू दैट दैट व्हाट एवर प्रिपरेशन इज डूइंग द मोस्ट टेस्टीएस्ट और मोस्ट लाइक्ड बाय द चाइल्ड। उसको जो पसंद है वो वाला, ऐसे नहीं कि उसको भी पसंद है वो वाला बना रही, बच्चे को जो पसंद है वो खाना बना रही है। एंड दैट टू एट द फास्टेस्ट स्पीड पॉसिबल बट विद प्रॉपर फोकस, कच्चा ना रह जाए, स्वाद में कुछ नो, देयर शुड नो शॉर्टेज इन द शॉर्टकमिंग इन द टेस्ट, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। हाउ दैट वर्क हैपेंस? एंड इन द एंड व्हाट शी डिड, व्हाट डज शी डू? वही खाना निकाल के बच्चे को दे रही, खुद के लिए नहीं खा रही। सिमिलरली when one is focused in doing an activity, and you said doing it for God, doing surrendered soul, this is the difference. A surrendered soul was Arjuna, but he was fighting the boy. He was not sitting in any karma lagega. In fact, in the starting of the war, he said, नहीं नहीं मुझे पाप लगेगा, मैं कैसे मारूंगा, मैं इतने लोगों को, इतने औरतों को मैं विधवा बना दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। But later on, what did he say? All my nashta moha smritir labdhva karishya vachana, I'll do you what you have to do. Mera moha sab nishta ho gaya. Theek hai. It's a different thing that Krishna is doing this for our sake, taki hum logo ko gyan mil pae. But the bottom line is, knowing this very well, ki bhai, main jo bhi activity kar raha hu, ye mujh pe hi return maarne wala hai. If I am doing a good activity, it is going to come back to me. If I am going to do a bad activity, I am going to come back to me. Knowing that very well, जो व्यक्ति करता है वो कर्म बंधन में कभी फंसता नहीं है। क्यों? He knows भगवान लेने वाले नहीं, मेरे गले पड़ने वाला है। अब बराबर पता चलता है, कई बार है ना घर पे कुछ सामान लेके आते हैं, हाँ ठीक है मैं नहीं खाएगा तो मेरा बेटा खा लेगा, बेटी खा लेगा, कोई ना कोई खा लेगा, वेस्ट नहीं जाता। और जब आपको पता है चला तो चला, नहीं तो गटर में फेंकना पड़ेगा, 500 रुपए का माल है, सोच के चलो तो आदमी कितना सतर्कता से या सोच समझ के वो पैसे खर्च करता है, इज इट नॉट?
I'm just giving a crude example so that you all can understand and can get it. Same way, when a person who has understood that way, भगवान को ना मेरे अच्छे कर्म पड़ी है ना बुरे कर्म की पड़ी है, और अच्छा और बुरा कर्म करूंगा तो प्रॉब्लम क्या है, कर्म बंधन में फंसूंगा। कर्म बंधन मतलब अब उस अच्छे कर्म को भोगने के लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा, या उस बुरे कर्म के लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा और मुझे वो दुख भोगना पड़ेगा। इन बोथ केसेस आई एम बाउंड टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, एंड द एंटायर पर्पस ऑफ रीडिंग द भगवद गीता इज द सीक्रेट फॉर्मूला ऑफ गेटिंग आउट ऑफ द साइकिल ऑफ। तो लॉर्ड इज लॉर्ड सिंह भाई, ये सब समझ के करो। अगर आप मेरे नाम पे भगवान चाहते हैं कि मैं आज चिकन खाऊं, भगवान चाहते हैं कि आज मैं दारू पीऊं, भगवान उनसे भगवान कुछ नहीं चाह रहे। अगर कोई बोलता है ना, कोई कहता है ना मंदिर में आओ, भगवान क्या पता बुलावा नहीं है, ये वर्ष दिखा देना, ये वर्ष दिखा देना भगवान को, आपका मंदिर आने से भी कुछ लेना देना नहीं है, नहीं आने से भी कुछ लेना देना नहीं है, आया तो आपके खुद के लिए, नहीं आया तो भी आपके, भगवान को कुछ लेना देना नहीं है, वेदर यू कम और यू डोंट कम। दिस इज लॉर्ड इज वेरी क्लियर टू दिस, एंड लॉर्ड सेज दिस, आई डोंट डिजायर फॉर योर वर्क, नेदर डू आई तुम्हारा फ्रूट्स के लिए मुझे कुछ पड़ी है। व्हाट फ्रूट्स कैन यू ऑफर, देन व्हाई शुड यू ऑफर द फ्रूट्स। स्पृह मीन्स आई एम नॉट डिजायरिंग, फिर भगवान को हम फ्रूट्स ऑफर क्यों कर रहे हैं, व्हाई शुड वी ऑफर। We can remain detached from the fruits. मतलब पाप में करूं तू भुगत, मैं डंगड़ी खाऊं तू भुगत, आपको अर्पण नहीं चलेगा। अगेन गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द महाभारत, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इट इज इन सी महाभारत, जैसे रामायण कई सारे रामायण है वैसे कई सारे महाभारत भी है, तो कुछ नाटकीय रामायण महाभारत होते हैं जो सीरियल में दिखता है, असली जीवन में नहीं होते। And you know, I still remember when the scene of Arjuna firing Karna, both of them mar diya. Arre Baba, you understand the purpose behind it. Lord has already said, Janma Karma Cha Me Divyam. Mera Janma aur Mera Karma Divya hai. So, Bhagwan kabhi galat kar hi nahi sakte. And whatever Lord says, Dharma Tu Shakshat Bhagavat Pranita, ye Ajamal story mein aayega. Ye shloka comes. भगवान तो साक्षात भगवत प्रणीत, व्हाट ओवर लॉर्ड हैज सेड दैट इज धर्म, सॉरी धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, दैट इज धर्म, जो भगवान बोल गए वो धर्म है। तो कर्ण हैड गॉट द एरो, व्यास महादेव महाभारत डजंट डिस्कस मच, ही सेज ओके यू नो इट्स लाइक इंग्लिश मूवी, हिंदी मूवी यू नो लाइक इट पुल्स अलोंग यू नो, देयर इज लॉट ऑफ रिकल्केशंस यू नो बिफोर दैट एंडिंग हैपेंस, बोथ हैपन, इंग्लिश मूवी लाइक ये टू मच यू टॉकिंग टू एंड ठप वो मर गया, दैट इज द पॉइंट यू नो। सो विल रामायण गोस अ लिटिल स्टेप अहेड, से दैट कर्ण वॉज सफरिंग, व्हाई यू विल अंडरस्टैंड दिस, when you will understand this karma phal theory, it says narak log jaani paratha, wo swarg log nahi hai narak log hai, to narak log jaani paratha because he was dambod bhavan, he was nothing but a rakshas, he was a demon, sahasra kavach or dambod bhavan, actual name was dambod bhavan but since he had 1000 kavach his name was sahasra kavach, so dambod bhavan did not go to swarga, he went to naraka. But and what was the purpose of his going to Naraka? Why did he go to Naraka? Why was
ही किल्ड बाय अर्जुन बाय कृष्णा डिड नॉट किल आई गिव यस्टरडे रीजन व्हाई दुर्योधन वाज किल्ड बाय भीमा क्यों याद है किसी को देखते हैं विष्णु शुड नॉट किल मुझे मेरे विष्णु के हाथ में मुझे मृत्यु नहीं आनी चाहिए सो दैट वाज दैट डेमिंस विष्णु दिस फेलो हु वाज ही धम्म उद्भवन जाके उसने बोला कि मुझे 1000 कवच दे दो पहले उसको अमर होने का वरदान मांगा बोला अमर तो कोई नहीं हो सकता सब लोग मरने वाले तुमको भी मरना ही पड़ेगा बट आत्मा नहीं मरती है दैट्स व्हाट वी नो द सोल नेवर डाइज तो बोला ठीक है तो मुझे 1000 कवच दे दो 1000 कवच और एक कवच जब कोई 12 वर्ष ब्रह्मचारी व्रत करते हुए इफ ही फॉलोज माय सर्व्स मी देन ओनली सॉरी ही डज तपस्या देन ओनली ही कैन फाइट विथ मी एंड देन वन कवच कैन बी ब्रोकन माइंड यू द कंडीशंस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड इफ यू सी ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स इजी बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड हु नोज फाइटिंग बोव एंड एरो फॉर द आर्ट ऑफ आर्चरी और वॉट ऑफ फाइटिंग प्लस ही शुड नो द आर्ट ऑफ डूइंग पेनेंस तपस्या कितने लोग ब्राह्मण तपस्या कर सकता है क्या युद्ध लड़ सकता है क्षत्रिय युद्ध लड़ सकता है क्या तपस्या ब्राह्मण जैसा कर सकता है सो डेलिबरेटली ऐसे कॉम्बिनेशन मांगा उसने पीपल सी द टर्म्स एंड कंडीशन लुक्स वेरी सिंपल यू नो वेन यू गो टू सम ICICI बैंक इतना स्मॉल लाइन्स आता है उसमें इट्स लाइक अ वेबसाइट Do you accept or decline? You have no other option. It is like wife's order. You have to accept. You decline and you are out of this website. It's like that. So, you accept. So, the two contradictory things he had put. One was, he has to fight with me after doing 12 years of brahmachari tapasya. So, fine. So, Nar and Narayan, both were Guru and Shishya. Lord only comes as Narayan, Lord only comes as Nara. I told the story of Nara, where Shivji ka maine story bola hua tha. To usi hisab se wo log Nar and Narayan aaye. To wo log ne wahan pe Badrika ashram mein tapasya kar rahe thi. Jaise wahan gaye, Dambodhvan bola, oh come on, fight with me. To bola, theek hai, ladenge. Aur jaise hi bola, नारायण ने क्या किया जाके बड़े गए तपस्या कर और नर को बोला यू फाइट तो नर फॉट फॉर 12 इयर्स और जैसे 12 साल हो गए नारायण आए फर्स्ट एरो लिया मारा उसका एक कवच टूट गया फिर ये अर्जुन बैठ गया थे तपस्या करने के लिए दैट इज नर नर इज नथिंग बट अर्जुन तो ही सैट डाउन ऐसा 99 कवच 12 साल में 99 कवच टूटे 100 कवच सॉरी 1000 कवच 999 टूट गया अब बचा आपका उसका एक कवच है डर के मारे भाग गया सूर्य के अंदर भाग गया डर के मारे सूर्य के अंदर भाग गया और यहां पे कुंती ने प्रे किया मुझे बच्चे का ट्रायल लेना है तो दैट इज व्हाई अर्लियर वर्ड्स व्हाट वाज अर्लियर वर्ड्स one verse before that, 4.12. Kamshati karma siddhyam ejante ya devata. Shiprami manushya loke siddhir bhavati karmaja. What does this mean? Tum apna siddhi paane ke liye, kuch bhi apna ichha puri karne ke liye, aap ejante ya devata. Surya devata. Usne pray kiya, Surya devata bola, ya asura mein wo kaam karne. Whenever I will tell you the story of Sugriv and Vali, you will come to know कि भाई जो भी rejected material है ना from the spiritual world, वो लोग अर्थ में ऐसे जो मांगते हैं उनको दे देते हैं जाओ वाली एंड सुग्रीव का भी स्टोरी ऐसे ही बट वी विल डिस्कस सम अदर टाइम तो उसको दे दिया तो कर्ण आ गया एक कवच के साथ पैदा हुआ बड़ा हुआ एंड When it came to, I think I'm going to divert from the topic. Let me complete this story. It's nice, interesting.
बड़ा हुआ, परशुराम जी के पास गया चीटिंग करके, वहां पे भी श्राप खा के आया। असुर ना झूठ बोले रह नहीं सकते, प्रोपेंसिटी है, दिस इज आसुरिक प्रोपेंसिटी। वहां से आया इधर, तो एक दिन आफ्टर द द्वित क्रीड़ा जुआ का मैच हुआ, वहां पे बहुत ही इंसल्टिंगली ही प्लेड विद ऑल द स्पेशली विद द्रौपदी, ही प्लेड वेरी बिहेव वेरी बैडली। In fact, he called her a prostitute and he said, you get married to the sixth husband, these five are not enough and all that. You know, very pinching words for which a lady cannot listen. Those words he said. So, it is said that when all this was happened, finally, the Pandavas were sent to exile. Vanvas mein bhej diya. So, wahan pe, ye log wahan pe Ghosh Yatra bol ke nikle. Now, what is Ghosh Yatra? Many people must not be knowing what is Ghosh Yatra. It is, in those days, isko census hota tha. Jo aajkal census hota na, kitne male hai, kitne female, aajkal ka census bahut low class hai. Wahan pe bahut high class census hua karta. Kitne janwar hai, kitne bhed bakri hai, kitne sher hai, everything was kept account. It was that perfect. Vana parva mein ek parva aata hai, Ghosh Yatra. तो उस पर्व में इसलिए इसका मेंशन है व्यास महाभारत में। तो घोष यात्रा में गए और जान बुझ के पांडवों के कैंप के सामने कैंप किया, पांडवों के कैंप के सामने कैंप किया। बोला और दुर्योधन बोला, कितना अच्छा लग रहा है, देख वो चक्रवर्ती राजा आज फटे हुए कपड़े पहन के झोपड़े में देखते हो, कितना मन को ठंडक लगता है। डोंट वरी, हम लोग के अंदर भी वो एनवी है, नेवर्स एनवी ओनर्स प्राइड, दिस इज व्हाट इज दुर्योधन। आज भी हमारे अंदर हर घर में यही हो रहा है, एक भाई जो नीचे हो जाता है दूसरा भाई ऊपर आ जाता है ना, बड़ा शांति। But that is where Yudhishthira Maharaj sets up an example. He is much, much higher and above. So, क्या करते हैं? बहुत मजा आया। तो उधर एक गंधर्व था, वो गंधर्व को बहुत गुस्सा आया, सबको उठा के लेके गया, बड़ा हुआ। This said, Karna was also fighting that गंधर्व। जान बचाने की जब नौबत आई ना, मतलब इट वॉज लाइक अभी वो मरने वाला ही, वो किसी और के रथ में बैठ के भाग गया और दुर्योधन को पकड़ के रख लिया। और वहां पे भानु ने दुर्योधन्स वाइफ भानुवती शी कम्स एंड टेल्स सिंह पांडवास, देखो देखो हमारा मेरा पति को लेके गए पांडव करके रोए। तो मैसेज फॉर द होल कंट्री, प्लीज अंडरस्टैंड दिस मैसेज फॉर कंट्री। युधिष्ठिर महाराज सेड, युधिष्ठिर महाराज सेज, सी इमीडिएटली भीमा सेड फर्स्ट, जो काम मैं करना चाहता था कोई और कर लिया, अच्छा होने उठा के लिखे, अच्छी बात। इतने में भीमा युधिष्ठिर सेड, सी हमारे आपस में हजार झगड़े हो सकते हैं, इनसाइड अस वी आर हैविंग इंटरनल फ्रैक्शंस फाइटिंग हो सकता है, बट जब बाहर का दुश्मन आ जाता है देन वी आर 105, 100 कौरवस एंड 5 पांडवस, वी आर 105 एंड वी हैव टू फाइट टुगेदर। दिस अप्लाइज टू द नेशन ऑल्सो, सम कैरेक्टर्स गो अब्रॉड एंड टॉक इल अबाउट इंडिया, दैट्स रॉन्ग। We may have fractions amongst ourselves, no problem, that's okay. Yeah, I may say I am right, you may say you are right, fine, you solve it. Har ghar mein hota hai. Ghar aur desh, parivar sab ek hi jaisa hai. Kya ghar mein sab ek jaise hote hain, ek jaise sochte hain? Koi bigda hua rehta hai, koi achha bhi rehta hai, everyone is there. Family is a mixture of all characters. But, jab bahar wala ko attack kare, to we have to become... We should not, in front of an outsider, we should never put ourselves low.
immediately he goes to, he tells Arjuna, Arjuna I go. Arjuna was a friend of the Gandharva. Gandharva said, don't worry, I mainly bought him because this fellow was enjoying on your sufferings. इसके लिए मैं लेके आया, ठीक है जा छोड़ दी. पूरा felt insulted, पूरा insulted Duryodhana felt. तभी of course अर्जुन को बोल दिया, हाँ तुझे जो वर चाहिए ले ले, जो मांगना है मांग ले, वो सब दे दिया. But he was about to commit suicide. Duryodhana was about to commit suicide. और वहां पे नीचे आया, देखा एक पेड़ के नीचे कर्ण बैठे. कर्ण पूछा क्या हो गया, इतना दुखी क्यों है? नहीं, I have decided to commit suicide. Why you want to commit suicide? नहीं नहीं, so no use, मेरा पूरा इज्जत निकल गया. एंड ऑल सबके सामने, पूरे दुनिया के सामने, जिनको मैं नीचे देख के हंसने के लिए आया, एंड में वो लोग ने मुझे जीवन दान दिया. दिस एंड दैट ब्ला 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 बिग फाइट. सो ही वाज डिजेक्टेड. कर्ण गिव्स एन एडवाइस, सी दे आर नॉट डन एनी ऑब्लिगेशन ऑन यू, वो तो तुम्हारे नीचे रहने वाले हैं, तुम्हारा छोटा भाई है और तुमसे हारे हुए लोग हैं, तो वो लोग अगर तुम्हारी मदद की तो उनका कर्तव्य है, इट इज देयर ड्यूटी टू सर्व यू, दे आर नॉट डन एनीथिंग टू इट. एंड देयर कर्ण टेक्स अ बिग वॉ. नाउ व्हाट्स द वॉ? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ही टेक्स थ्री वॉस. आज से मैं अपना पैर नहीं धोऊंगा या किसी को अपना पाद पूजा करने नहीं दूंगा. जब तक मैं अर्जुन को नहीं मारता हूं तब तक नोबडी वॉशेस माई फीट. सेकेंड, कुछ ऐसे भी वो लेना अच्छा रहता है. आज से मैं मदिरा और नॉनवेज नहीं खाऊंगा. आई विल नॉट, बिकॉज फॉर अ क्षत्रिय ईटिंग नॉनवेज एंड लिसनिंग वॉज अ वॉज अलाउड. बेसिकली इट वॉज अलाउड बट इट वॉज नॉट कंपल्शन, इट वॉज नॉट टेकन बाय एवरीवन बट इट वॉज अलाउड. तो यहाँ पे उसने क्या बोला, आई विल नॉट ड्रिंक एनी अल्कोहल, आई विल नॉट ड्रिंक एनी, आई विल नॉट ईट एनी नॉनवेज. थर्ड, सबसे बड़ा मिस्टेक, ब्लंडर ऑफ हिज लाइफ, जो भी आके मुझसे कुछ भी मांगेगा मैं उसको दूंगा. दैट मीन्स व्हाट? दैट इज व्हाई ही इज दंभ उद्भवन. व्हाई दंभ क्यों है उसके अंदर? देना उसको चाहिए जिसको जिसकी जरूरत है. तूने क्या बोला, क्या कसम खाया उसने? जिसने जो मांगा मैं उसको दूंगा, whether he requires it or not, I will give. That is why he had to give to Indra. Indra did not require the kavach, but when Indra came to know, बड़े स्टाइल में निकल दिया. सीरियल में बड़ा एकदम स्टाइल में निकल दिया. But no doubt, it's mentioned in the Shastra, the Mahabharata. Yes, he removed the kavach and gave it. And the most important, first Surya himself comes, Suryadev comes. इंद्र निकला है तुमसे मांगने के लिए, मत देना. कैसा नहीं दू, मैंने एक बार वचन दे दिया है, इट इज बिलो माई डिग्निटी. अरे कुछ भी मीठा बोल के भगा देना, नहीं मैं नहीं भगाऊंगा, मैं स्टिक टू माई वर्ड्स, आई विल गिव. दिया सूर्यदेव लेके गया, ठीक है. तभी सूर्य ने उसको एक पट्टी पे पढ़ा के भेजा था. क्या पट्टी पढ़ाया? कि भाई याद रखना, अगर वो कवच मांगता है उसके रिटर्न में तू कुछ ले लेना. कर्म बंधना, रिटर्न, टेक समथिंग इन रिटर्न. एंड व्हाट डिड ही टेक? ही टुक शक्ति अस्त्र फ्रॉम इंद्रदेव, ही टुक हिज शक्ति वेपन. ठीक है, जब इंद्र आया मांगने के लिए ब्राह्मण बन के, हाँ मालूम है तू इंद्र ही है, मेरे को मालूम है, तो मुझे तेरा कवच चाहिए, हाँ ले ले, मैं सबको दूंगा बोला. इफ यू हैड सेड मैं इसको जरूरत है उसी को दूंगा, देन यू वुड नॉट हैव गिवन द कवच टू इंद्र. कवच और कुंडल दोनों दे दिया उसने. तो सी हाउ लॉर्ड हैज प्लेड द एंटायर महाभारत. 12 साल जानबूझ के उसको वनवास दिलाया तपस्या करवाने के लिए. सी पीपल से हरे उसको वनवास वनवास, गॉड कुड हैव सेव्ड दैट वनवास इन वन सेकेंड, बट ही न्यू हियर वॉज नो ऑप्शन. नारा हैड टू कीप दैट वनवास बिकॉज 999 वॉज किल्ड बाय alternatively, and it was last was a chance of Nara. First this fellow started, so I mean Nara se khatam karna tha, so now odd even aap calculate karoge, last was Nara's chance to kill Dambodhavan. So now what he did,
अर्जुन यू डू तपस्या, तो तपस्या कैसे जाएगा, चलो जाओ राज्य में, रहती तपस्या होगा नहीं, राजा बन के तपस्या होगा नहीं, जाओ। तो 12 साल का तपस्या करवा लिया, कवच ऐसा भी निकल गया था। बट देन व्हेन ही फायर्स द एरो, कृष्णा टेल्स अर्जुन, देखो फायर हिम व्हेन ही इज रिमूविंग द व्हील, व्हाई ही सेज व्हाट पेन दैट लेडी अंडरवेंट when she was pinched by so many dirty words in the sabha, and that too when she was in her, you know, 3 days when she could not come, un dost tin tin dinon mein usko bulaya tha wahan pe nirast karne ki koshish ki, all that insult which the pain which she underwent in her heart he will undergo only at the time of lifting the ratha, he is in a helpless condition, that time he fired there, then that time he fired sir taki usko dard ho. So as I told you in Bilvana Mahabharat, this Sandarbha comes. कहते हैं कि नरक लोग जाने के लिए कोशिश कर रहा है पर उसके प्राण छूट नहीं रहे, क्यों, उसने जो पुण्य कमाया था दान करके वो उसको खींच कर रहा, so he was suffering. कई बार हम लोग देखते हैं ना, कई लोग मृत्यु की शैया पे हैं पर प्राण छूट, महीनों तक छूटते रहे. This is also somewhere or the other because of the law of karma. Law of karma is very, 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 very intricate. Please understand that. Uske jaisa most confusing ya most intricate thing. Hindi mein kya bolte hain intricate? It's jatil. Sabse jatil cheez. Very difficult to understand. Bade. नहीं समझ पाया, आएगा यही चैप्टर में, एक दो वर्ष के बाद आएगा. कवियो अत्रि ना कवियो मतलब ज्ञानी लोग भी इसको नहीं समझ पाए, सो इट इज सो कंफ्यूजिंग, सो डिफिकल्ट, बट somehow or the other कृष्णा goes and tells him, दान दे दे. क्या दान दे दे? तेरे कर्मों का फल मुझे दान. Don't think Krishna अपने केस में आएगा. So it is better we don't keep the फल to ourselves. Krishna अर्पणमस्तु. कृष्ण को अर्पण. If a doctor takes a person to under the knife, first you should say Krishna अर्पणमस्तु. No jokes. Because he has no right, or rather no, because body is not given by him, he is rectifying the body, but usko kis karma ki wajah se usko suffering mila hai wo aapko pata nahi. So the first thing is, bhai main jo bhi hu main apna dharma nivara hu, jaise kal sahadev nivara apna dharma nivara, dushman bhi aaye to bhi mujhe apna dharma nivana hai, jo apna to principles ethics jo hota hai wo mujhe karna hai, but uska karma mujhe nahi chahiye. Krishna arnas, then whatever you do you will not get sick. Otherwise, ये जो जान लेता है कि भगवान को जरूरत नहीं है बट मुझे जरूरत है कि भगवान को दे दू, नहीं तो मेरे गले पड़ेगा. It is necessary for me to hand over this to the Lord. Otherwise, I have to carry the bojha. And already we have got tons and tons of bojha. You know the most biggest bojha, you know? Many people are not able to come to this devotional class. Why? Because the bojha of duskriti is more. Duskriti ka bojha jyada rehta na, wo class mein bhakti mein nahi kar payega. Uske haath mein Bhagavad Gita ho fir bhi nahi pad payega. Wo sab jagah jayega. Bagal ke mandir ke 2 minute dur pe talkie se wahan jaake picture dekhega, aur yahan aake class attend karega. Sukriti chahiye. So that's why it is said this verse is very, very important. Lord is not desiring for your fruits of your action. Whatever action you do, it is you and you only who enjoys and suffers. Sukh bhi bhoga ya dukh bhi bhoga, wo aapko hi bhogna hai. But aur ek baar ek vyakti jaan leta hai ki bhai Bhagwan ki wajah se main nahi kar raha hu ye kaam. Ha, ye mere jeevan nirvah ke liye karna hai. I have to do this for my survival. Fine. But then after doing that. Please offer the fruits to the God, otherwise that will become a karma.
Okay, with this we'd like to close today's class. Anybody has got any doubts, questions, can ask.